बंजार उपमंडल के मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर ब्योठ मोड़ पर हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुई 42 सीटर निजी बस में 75 से ज्यादा सवारियां सवार थीं। बस जहां अंदर से खचाखच भरी हुई थी, वहीं छत पर भी सवारियां बैठी हुई थीं। बस में 2 दर्जन से ज्यादा स्कूल व कॉलेज के छात्र सवार थे। पुलिस के अनुसार खटारा हो चुकी निजी बस संख्या HP 6565 ओवरलोड होकर कुल्लू से गाड़ागुशैनी जा रही थी। बस बंजार से 1 किलोमीटर आगे तीखे ब्योठ मोड़ के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। सड़क से गिरते ही बस पहाड़ से जा टकराई व 2 हिस्सों में बंट गई। घटना स्थल पर सड़क के किनारे न ही पैरापिट लगे हुए थे और न ही क्रैश बैरियर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे व पहाड़ी पर फंसे घायलों को रस्सी के सहारे खड्ड में उतारा व पीठ पर उठाकर तार स्पैन से सड़क तक पहुँचाया। घटना स्थल का मंजर इतना भयानक था कि क्षत विक्षत शव खाई व पहाड़ी की ढलान पर झाड़ियों में बिखरे हुए थे। इस भयावह घटना के बाद बंजार अस्पताल का प्रांगण शवों के लिए छोटा पड़ गया। इस दर्दनाक घटनाक्रम में कुल्लू जिला के एक पत्रकार मोहनलाल व उनकी बेटी भी काल का ग्रास बन गए, जबकि दूसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हुई है। PRTV के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट।